गुजराती बोल सकते हो? गुजराती भूल गए यार। अरे गुजराती बोलो यार भाई। हिंदी हिंदी बोल बोल के गुजराती भूल गए। गुजराती फिर भी केम छो? सारो है। सारो माजामा। मेरा एक सपना है यहाँ आने का। अपना आज गुजराती में गुजराती भूल गया। अरे भाई भी पूछूंगा बहुत सारी। आसिफ मुझे बताओ इसे टेली को मतलब क्या? पैसा वसूल। वसूल वेरी गुड। 1315194 लाइव पावर सीपी दोनों किया? यस सर, मैंने तो सबसे ज्यादा शायद क्लास में मैंने सबसे ज्यादा बोल किया। मुझे बताओ कि अगर कोई नया स्टूडेंट आएगा क्यों आए बताओ? सर भाई बिंदास आ जाए, जिसको अगर करियर बनाना है इस फील्ड में वो बिंदास आ जाए, नहीं तो अभी बाकी उनका प्रॉब्लम। ठीक है, आप अपना गारंटी तो दे सकते हो ना सर? 100% टेली को मतलब क्या? फुल पैसा वसूल। पैसा तो मेरा ब्याज निकल रहा है। आज ही आ जाओ। 3787666। अगर आपको इनको सेट भेजना है तो आप भेजिए। अगर आप इनको पूछना है कि स्टूडेंट मैं आऊं कि नहीं आऊं तो वो भी पूछे। यस सर। आज कोई कॉल करे अगर तुम्हारे वहां से कोई आना चाहे तो तुम भेजोगे? बिल्कुल आ सकता है सर, मैं गारंटी देता हूँ उसकी। ऐसा टेलीकॉम मतलब क्या? पैसा वसूल। 404165। ऐसा लाइव में कोई नंबर नहीं देता, वही स्टूडेंट दे सकता है जिसको अपने पे कॉन्फिडेंस है और अपने गुरु पे कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं कुछ अटकूंगा तो मेरा गुरु मेरे साथ है। कौन कौन नंबर दे सकता है? देखा हाथ खोल के सब नंबर देंगे यहाँ पर। ठीक है, मेरे साथ एक और है। एसर टेलीकॉम ज्वाइन करके तुमको क्या लगता है पैसा वसूल हुआ तुम्हारा? जी बिल्कुल। क्यों ऐसा लगा तुम्हारा? क्योंकि यहाँ पढ़ाने का तरीका देखे, पढ़े खुद समझे, बहुत अच्छा लगा। वो चीज ट्राई भी की हम लोग का, प्रैक्टिकल लैब सब कुछ, सब डाउट क्लियर होते हैं यहाँ पर आपके की सारे बच्चों के, हर कोई का। और यहाँ पर हर कोई बच्चा इसी पावर क्या क्या निकाल के लगा के चालू? 4G पावर, CPU सब निकाल के लगा के चालू कर। बताओ आफ्टर ऑल क्या बोलना चाहोगे स्टूडेंट को? सर बिल्कुल पैसा वसूल है, अगर कोई भी आना चाहे बेहिचक आओ। अरे आया वो सीधे ताली बजवा दी, पर रीजन क्या है? रीजन जानना है? चलो देखते हैं। मुझे बताओ यहाँ पर किसने ने लाइव पावर एसी निकाल के चालू किया सेट? पहला रीजन मुझे बताओ, इधर दिखाई, मुझे बताओ किसने CPU निकाल के चालू किया? दूसरा रीजन, और मुझे बताओ किसने हार्डवेयर से डीप लेवल पे डाटा सीट के साथ समझी यहाँ पर? यस सर। और अब मुझे बताओ डेट सेक्शन कैसा लगा आज? तो एक शब्द बोलते हैं इसे टेली को मतलब क्या? नॉलेज मिला सर। हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं किधर ज्वाइन कर लेता तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। टीचर कभी छुपाते हैं? नहीं नहीं सर, फुल नॉलेज जितना उनको नॉलेज है मुझे लगता है उससे ज्यादा मैं हमको देने की कोशिश कर। सही बात है, और वो हम टीचर इसलिए क्योंकि हम अपडेट होते हैं। अगर दुकान वाले होते ना तो दिन भर फोन बनाने में रहते, हम स्टूडेंट पे कभी ध्यान नहीं देते। पूरा सर एकदम आसान कर दिए। जब सुबह आए थे तो एकदम क्या लग रहा था कि क्या होगा डेट सर? आए थे तो समझ कुछ आ रही था कि स्टार्ट कहाँ से करना है डेट का। अभी भी कभी भी हम मोबाइल पकड़ते हैं तो शुरुआत कहाँ से करना है समझ नहीं आता। ये बैटरी लगा के देखना है कि पहले तो कि चार्जर चेक करना है, चेक करना है, लाइट चेक से चले जाए, नेटवर्क में जाए, कहाँ जाए डेट सेक्शन। अब इतने सारे कंपोनेंट है किसको क्या चेक करना है पता नहीं, लेकिन सर इतना आसान कर दिए कि हमको सिर्फ डीसी मशीन में लगाते ही हमको पता चल जाएगा कि इस आईसी में काम करना है, इस कंपोनेंट पे काम करना है। रूल्स के बारे में बताया सर, तो मैं समझ गया था सर स्टिकनेस जरूरी होगी। तो मतलब स्टिकनेस जरूरी है तो आउटपुट निकलेगा। बिल्कुल सर। अगर मैं बताऊं ये दुकान होती और आपका आदमी आता अपने फोन बना रहा है बाजू में, आपको छोड़ दिया, आप क्या कर रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके 3 बजे बीबी का कॉल आया, वो घर चला गया, बोला अगले दिन आऊंगा, तो ऐसी जगह पे जाके आप अपना क्या करते? सर समय वेस्ट है, नुकसान करते। मैं दिल्ली में भी गया था, मैंने एक से बात भी कर ली थी, मेरी पैसे की भी बात हो गई थी, बट मेरे को उनका बिहेवियर समझ नहीं आया, इस चक्कर में छोड़ के आ गया सर। सर क्या लाइव हमने पावर एसी भी उतारी है, सीपी भी उतारी है, आपने 2-3 दिन में कर दिया? हाँ सर, मेरा पहले एक सेट खराब भी हुआ था, बट मेरे सर ने फिर मेरे को मेरा गलती भी बताई, मैंने एक सेट और लिया, फिर दोबारा उसके भी उतारे, फिर दोबारा ऑन किया, उसको कम से कम 4 बार उतार के मैंने में तो नहीं किया सर। पक्का? पक्का सर। और उसके बाद में जो डीप लेवल पे सर्किट्स को समझ में आया वो कैसा था? बहुत बढ़िया सर, एंडलेस बिल्कुल। कभी भी कोई स्टार्टिंग में समझाया कि चालू सेटों में? चालू सेट पे सीखा और आईसीयू को निकाल कर भी। बिल्कुल, आज की क्लास तो बहुत जबरदस्त थी। आज क्या था क्लास सर? आज डेट का सेक्शन था हमारा। क्या था डेट सेक्शन? पावर आईसी सीपीयू, पावर आईसी और सीपीयू निकाल के लगाया, चालू किया, चालू किया वन टाइम में। ठीक है, और डेली फोनों के सर्किट समझ में आ रहे हैं? डेली डीपली नॉलेज में। आज क्या सेक्शन गया? आज डेट सेक्शन था। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, सच बताइए। पक्का? पक्का। चलिए ठीक है, पावर आईसी सीपीयू 4G CPU IC ये दोनों लाइव किया, पावर और 4G CPU तो दूसरे तीसरे दिन निकल लिया था। जितना भी IC रिवॉल्व करवाते हो कौन सी स्टेंसिल पे करवाते हैं? यूनिवर्सल से, ताकि आपको हर और डिसिप्लिन कैसा है यहाँ पर? डिसिप्लिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। रहने और खाने में कोई चीज का कोई दिक्कत नहीं सर? रहने खाने में मुझे बताओ इधर दिल्ली को में आने वाले को रहने खाने की कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आ सकते हैं आप रहने की। पूरा वेज खाना मिलता है यहाँ पर? यस सर, बट नॉनवेज नहीं मिलता। बस नॉनवेज नहीं मिलता है ना, डिसिप्लिन भी थोड़ा टाइट है। बिल्कुल, कौन वही आ सकता है जो 12 घंटे क्लास अटेंड कर सके? यस सर, वही आ सकता है ना। मुझे बताओ आसिफ लाइव क्या काम किया तुम? लाइव सर 4G CPU पावर आईसी दोनों निकाल के लगाया। और ट्रू से तमिल सर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा।
क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? वाई वन है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं। हमारे यूट्यूब की फैमिली कैसे आप सभी लोग, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं 28 मार्च हमारा मैच यहाँ दिखाइए। और मेरे साथ में है मेरी टीम योगेश सर और मिलन सर। एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। अब मेरे से ये लोग वो बोल रहे हो कि सर के, तो मेरे साथ में ये हम बहुत छोटा छोटा सा रिव्यू लेंगे, एक दो दो क्वेश्चन का हर एक से। मैं पूरा रिव्यू उनसे उठाऊंगा आखिरी दिन में, जब इनसे पूछूंगा ब्लैक पेस्टेड डुअल लेकर सब कुछ आने वाले सेक्शंस में। ये डुअल लेकर भी करने वाले हैं। कौन कौन करने वाला है डुअल लेकर? लाइव दिखाएंगे, लाइव 19 या 20 तारीख को डुअल लेकर। सबके चेहरे याद कर लो, ये सब लाइव दिखाएंगे आपको, लाइव दिखाएंगे ठीक है। एमपी के सौरभ और बाकी बहुत सारे नेपाल के आए हैं, यूपी का बहुत सारे। सो अब बात करते हैं, सबसे पहले अभी हमारी क्लास चली है दुर्गेश सर के लिए, एक बार सर के लिए ताली बजा। मुझे बताइए अभी मेरे डे का पहला क्लास गया, कैसा गया बताएं? सर से समझाया कि नहीं? सीपीयू वाइज समझाया होगा, फाइल वाइज समझाया होगा, बताओ सर क्या देने वाले हो? तो इनका जो चल रहा है सबसे बड़ी चीज होती है तो यूट्यूब से तो देख के सभी कर लेते हैं, पर बेसिकली जो उनको कंफ्यूजन में रहता है कि अरे वो ऑनलाइन ऑफलाइन, और पहली चीज तो ये डायग्नोस करना चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फॉल्ट है कि नहीं है वो सारे एरर्स चाहे वो ड्राइवर। अच्छा, इसमें आप करते हो कि स्टूडेंट से करवाते हो? सारा कौन करता है आप ही बताओ। कैसा लगा एक दिन की क्लास? अगर आप में से किसी को डाउट है और आप पूछते हैं तो सर बताते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है कि सर नहीं बताते, स्टूडेंट को दिखाइए ज्यादातर ठीक है। बताइए सर। तो ओवरऑल वही जो मैंने बताया, प्रैक्टिकल और सबसे वीक से वीक स्टूडेंट। कल किसने किया था सर? दो जने थे सर। इससे पहले ही नहीं, कुछ से पूछते हैं, इससे पहले आपने कभी भी कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर का काम किया था? नहीं। कैसा लगा ओवरऑल? मतलब आपने फर्स्ट टाइम किया सॉफ्टवेयर, ड्राइवर भी समझे, फ्लैशिंग समझी, कैसे कनेक्ट करते हैं, बूटिंग कैसे करते हैं, राइट? आज भी YouTube में मेरे डे का ड्राइवर, आज भी लगता है कि एक दूसरे को चेंज कर लो। क्या हमने ड्राइवर चेंज किया क्या? ड्राइवर चलाया वन टाइम में, तो बस यही लाइफ चल रहा है क्लास। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ में मिलन सर। मिलन सर बताओ क्या बच्चों को मिलने वाला है इन लोगों को? तो सर इस बार ऐसा मिलेगा जादू कि ईएमसी का जो भी प्रॉब्लम होगा इन लोग का इतनी सरल तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हो। प्रोग्राम आपको लग रहा होगा कि प्रोग्राम लैंग्वेज इतना हार्ड है, और मैं बता रहा हूँ सबसे आसान वही लगने लगेगा, एकदम सरल लगने लगेगा। हम यहाँ पे जो MMC की प्रोग्रामिंग करते हैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, कोई कोडिंग नहीं, कोई सब कुछ एकदम आसान। मैं सच बताऊँ, एक मिनट मैं सच बताऊँ, ये इनको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर हर चीज आसान लगनी जिसकी भी क्लास है आखिरी में दिमाग में बैठ के ही जाते हैं। अभी ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि अगले दिन ये समझ में आएगा, तो लगेगा कि अपडेट सेक्शन होने के बाद जो इतना हार्ड सेक्शन था कि पीसीबी में कहां से डेट है ये बता पाना बहुत मुश्किल था। जी सर, मैं विश्वास है, विश्वास है पूरा, यस स्टूडेंट को विश्वास है पूरा। उसके बाद हम अगर बात करें कि प्रोग्रामिंग के बाद MMC चेंज, वो भी आप सबसेट में कर सकते हैं बिल्कुल। उसके साथ डबल नेटवर्क के साथ भी आप काम करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा पेस्टेड, जो है पेस्टेड आपको ऐसा लगने लगेगा कि बिल्कुल नॉर्मल आईसी जैसा है ना, तो पेस्टेड भी आप उसके बाद डबल डेकर करेंगे। ये सारे चीज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। एक बार जोरदार ताली कर दो सर। सर मैं यूपी से हूँ, मेरा नाम उत्तम है। उत्तम क्या आप यूपी से आए हैं? बताओ यूपी से जबलपुर इतनी दूर क्यों? सर आपके वीडियो और फेसबुक में लाइव देखते थे। फेसबुक में लाइव देखते थे? फेसबुक में लाइव। और कोई इंस्टीट्यूट आता है क्या इसके अलावा? नहीं सर, और कोई ऐसा दम चाहिए ना उसके लिए? दम चाहिए सर, रियल काम होगा वही। आप जैसे मान लो सौरभ हम तुम्हारे साथ ही खड़े हैं और तुम्हारे को आज हमने बोला पावर AC लगाएंगे और चालू करेंगे, और तुम में से 10 ने कर लिया 10 में नहीं किया, तो आप लाइव आ पाएंगे क्या उसके बाद? नहीं चाहिए, क्योंकि हम लाइव किस मुंह से आएंगे, क्योंकि 10 से तो हम पूछे ही नहीं पाएंगे। या तो हम ऐसा तो नहीं है कि हम हर एक को चाय पिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, सबसे करवाते हैं, सबके साथ है। लाइव कौन आ सकता है जिसमें क्या हो? दम हो, जिसमें कॉन्फिडेंस हो कि वो अपना पढ़ा, जिसको नॉलेज होगा, मुझे पता है मेरा क्या नॉलेज है, मैं डिलीवर कर सकता हूँ। तो मैं पहले दिन ही आके आपको बोला था ये करवा दूंगा। कॉन्फिडेंस कभी भी ऐसा टीचरों का लगा कि कम हुआ है बताओ? फर्स्ट डे से लेकर अब तक का कभी लो दिखे हम लोग को बताओ? कभी नहीं दिखे।
चलो ये होता है, तो हमारा डेली का रूटीन है। मुझे बताओ सौरभ, लाइव क्या काम किया तुम? लाइव पावर आईसी सीपीयू नहीं, पावर आईसी और सीपीयू निकाल के लगाया, चालू किया वन टाइम में, ठीक है। और डेली फोनों के सर्किट समझ में आ रहे हैं? डीपली नॉलेज। आज क्या सेक्शन गया? डेड सेक्शन था। कैसा लगा? बहुत बढ़िया मक्खन। सच बताइए? पक्का? पक्का। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरे सारे के स्टूडेंट और आइए आ जाओ इधर। तो बहुत ही काबिल और बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही जिसको बोलते हैं ना कि अकलमंद, बिल्कुल, मतलब जो बहुत जल्दी चीजों को पकड़ लेते हैं। क्विक रिस्पांस है इनका, बताओ क्या नाम? प्रमोद है, मैं गाजियाबाद से हूँ। प्रमोद क्या करते थे? सर मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का ही काम है सर। किस लेवल? बेसिक लेवल पे करता हूँ सर, बेसिक लेवल होल्डर चार्जिंग जैक। तो प्रमोद आप क्या करने वाले हो सर? सर अब जाके सर कंपोनेंट लेवल, नहीं नहीं उससे ऊपर भी करने वाले, एमएमसी सब, नहीं नहीं उससे ऊपर भी करने वाले हो, मुझे पता चला इंस्टीट्यूट भी खुलने वाले हो प्रमोद। सर बताओ। सर टीचिंग भी करूंगा। टीचिंग भी करोगे? क्या पढ़ाने के टाइम पे टीचिंग भी सरल हुई कि नहीं हुई? सर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपसे सर बहुत कुछ सीखा। हाँ जी, मतलब आप देखो, एक होता है कॉम्पिटेंट पढ़ा दिया, एक होता है कि इस लेवल पे पढ़ा दो कि आपको दूसरे को पढ़ाना सके। सर ये पॉसिबल है यहाँ पर? नहीं सर, अगर ध्यान से देखोगे तो सब पॉसिबल है सर। सब पॉसिबल है यहाँ पर सर। यहाँ बताओ डिसिप्लिन कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। आते ही सर सबसे पहले तो एनर्जी आपकी देख के पहले सर चुस्त हो जाते हैं। हाँ नहीं, एनर्जी तो एक अलग बात हो गई। देखो डे वन से जब आप पहले दिन आप हॉस्टल गए थे, मोहम्मद सर आए कि ये होगा वो, आपको लगा होगा क्या हिट लगड़ी हो रही है? नहीं सर, एक्चुअली मैं जिस दिन सर आए थे मैं नहीं आया था उस दिन, लेकिन पता चला था मुझे सर आए थे, सर ने पूरा अपने बारे में बताया और यहाँ के रूल्स के बारे में बताया सर, तो मैं समझ गया था सर स्ट्रिक्टनेस जरूर होगी। तो मतलब स्ट्रिक्टनेस जरूरी है तो आउटपुट निकलेगा? बिल्कुल सर। अगर मैं बताऊँ, दुकान होती और आपका आदमी आता अपने फोन बना रहा है बाजू में, आपको छोड़ दिया, आप क्या कर रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके 3 बजे बीबी का कॉल आया, वो घर चला गया, बोला अगले दिन आऊंगा, तो ऐसी जगह पे जाके आप अपना क्या करते? सर समय वेस्ट है, नुकसान करते। मैं दिल्ली में भी गया था, मैंने एक से बात भी कर ली थी, मेरी पैसे की भी बात हो गई थी, बट मेरे को उनका बिहेवियर समझ नहीं आया, इस चक्कर में छोड़ के आ गया सर। आप बिहेवियर समझ में नहीं आया इसलिए नहीं छोड़े? एक्चुअली और वो पैसे की डिमांड ज्यादा करते हैं। अच्छा, ज्यादा करते हैं। पहले की पहले पैसे जमा करो सर, वो काम नहीं। नहीं तो आप यहाँ पर आए, अब मुझे बताओ यहाँ पे लाइव क्या काम किया आपने? सर यह लाइव हमने पावर आईसी भी उतारी है, सीपी भी उतारी है। ये तो आपने 2-3 दिन में कर दिया। हाँ सर, मेरा पहले एक सेट खराब भी हुआ था, बट सर ने फिर मेरे को मेरा गलती भी बताई, मैंने एक सेट और लिया, फिर दोबारा उसके भी उतारे, फिर दोबारा ऑन किया, उसको कम से कम 4 बार उतार के मैंने तो नहीं किया सर। पक्का? पक्का सर। और उसके बाद में जो डीप लेवल पे सर्किट समझ में आया वो कैसा था? बहुत बढ़िया सर, एंडलेस बिल्कुल। कभी भी कोई डेड सेक्शन में समझाया कि चालू सेटों में? चालू सेट पे सीखा और आईसीयू को निकाल कर भी। बिल्कुल, आज की क्लास तो बहुत जबरदस्त थी। आज क्या था क्लास? सर आज डेड का सेक्शन था हमारा। क्या था डेड सेक्शन में? डेड सेक्शन में कि सेट की वोल्ट आप डीसी सप्लाई के थ्रू भी आप बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। बहुत कुछ चेक कर सकते हैं, मतलब अभी देखो क्या है, सेट आया तो भी क्या आधे टेक्नीशियन आधे क्या सिर्फ बैटरी करेक्टर चेक करते रहते आधे घंटे तक वोल्टेज। आज हमने बैटरी करेक्टर को छुआ भी? बताओ, हमने छुआ ही नहीं है बैटरी करेक्टर को। बाकी बात है, पहले तो बोर्ड चेक करो भाई क्या है ना कंडीशन, प्लस उसके डीसी के साथ सप्लाई चार्जिंग के थ्रू सप्लाई पूरी चेक करी। और आज हमने एक 2-3 सेट भी लाइव किए जिसमें से शॉर्टिंग भी निकाला, माइनर शॉर्ट भी निकाला, एमएमसी का भी किया, एक एमएमसी का चेंज करके दिखाया सर। ये हमें जरूरत नहीं थी, हमने आज तक कभी नहीं दिखाई, सच बताओ। पर इस क्लास की नीड मुझे लगी, मैंने बोला कि इस क्लास को एक बार दिखाना है कि देखो एमएमसी चेंज करके सेट कैसे कोई भी आना चाहे बेहिजक आओ। कोई नंबर बताओ? सर मेरा नंबर है 9818444447। शॉप का एड्रेस बताओ? लक्की मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, मेन शाम पार्क, साहिबाबाद, यूपी, गाजियाबाद। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, इधर आ जाइए। तुम लोग इधर आ जाओ भाई। क्या नाम है? आ जाओ। क्या मेरा नाम प्रणव कुमार है, मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ। मुझे बताइए प्रणव कि आप एजे टेलीकॉम ने क्यों ज्वाइन किया आपने? यहाँ का मतलब फेसबुक पर रिव्यू देखा करता था, कैसा लगता है, बेहतर पढ़ाने का तरीका आपको, मतलब बराबर देखते थे अपना लैब से, मतलब लाइव बताते थे कैसे बनता है क्या होता है, वो अच्छा लगा। तो मुझे बताओ आज क्या सेक्शन था? आज डेड का सेक्शन था। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा क्या? बहुत अच्छा मतलब यार समझ में आया कि नहीं आया? पूरा समझ। अभी आप इसको जाके खुद प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं ना, और उसके बाद में अगले दिन सॉर्टिंग की क्लास में, तो डेड सेक्शन तो अब चलते रहना है। क्योंकि आप देखो, आप नोटिस करो, अभी हमने अपने सारे सेक्शंस पढ़े, अब हम टोटली डेड सेक्शन पे काम करने वाले हैं, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर पढ़ना है और हमें एमएमसी पे काम करना है। सॉफ्टवेयर एमएमसी प्रिया, मुझे बताओ कि एसर टेलीकॉम ज्वाइन करके तुमको क्या लगता है, पैसा वसूल हुआ तुम्हारा? बिल्कुल। क्यों हुआ, ऐसा लगा तुम्हारा? क्योंकि यहाँ पढ़ाने का तरीका देखे, पढ़े खुद समझे, बहुत अच्छा लगा, वो चीज ट्राई भी की हम लोग का, प्रैक्टिकल लैब सब कुछ, सब डाउट क्लियर होते हैं यहाँ पर आपके के सारे बच्चों के, हर कोई का। और यहाँ पर हर कोई बच्चा आईसी पावर क्या क्या निकाल के लगा के चालू? 4G पावर आईसी, सीपीयू,
सब निकाल के लगा के चालू कर, मतलब ऑलरेडी अब आपको सिर्फ ब्लैक पेस्टेड पे काम करना है ताकि हमारा ब्लैक पेस्टेड भी क्लियर हो। जी सर। ठीक है, मुझे बताइए कोई नया आना चाहे तो क्यों आए? बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आने का तरीका बहुत बेहतर है। आप यहाँ पे मतलब जैसे पढ़ने के दृष्टि से अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ आ सकते हैं। इजाडेली को मतलब क्या? फुल पैसा वसूल। थैंक यू, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मैं पीतम लामनी, असम से। इधर आओ, असम से मुझे बताओ इजाडेली को क्यों आए? इतनी दूर दिल्ली जा सकते थे, यहाँ क्यों आए? वीडियो जब देखा मैंने तब मुझे मतलब दूसरा वीडियो में उतना ये नहीं लगा जो ऐसा लगेगा कि ऐसा गुरु मिल सकता है। हाँ जी। या कुछ भी मतलब मिल सकता है, तो मुझे लगा कि नहीं मैं यहाँ पे आऊँ, और वीडियो देखते 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 मालूम चला जो यहाँ पे नॉलेज मिल सकता है, अगर मैं कुछ मतलब करना चाहूँ तो मतलब यहाँ पे आके कर सकता हूँ। तो मुझे बताओ यहाँ आ गए पहले दिन और अब के में कितना अंतर है? बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर है। अभी अपने आपको किस टेक्निशियन के उस हिसाब से देखते हैं बताओ, पहले कुछ करते थे क्या? नहीं, मैं कुछ करता मतलब वो थोड़ा बहुत चार्जिंग, बहुत आईसी पे काम किया कभी? यहाँ से आने के बाद मैं किस लेवल पे काम करने वाले हो सर? पूरा एकदम डीप लेवल। और अभी आपने एमएमसी का क्लास नहीं किया, फिर भी मैं आप बताओ आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप एमएमसी पे भी काम करने वाले हो? पक्का? क्योंकि जितने लेवल पे हमने सिखाया है और हमारे टीचर का नॉलेज है, टीचर का नॉलेज कैसा है? बहुत बहुत डीप नॉलेज बताते हैं यार, मतलब ऐसा नॉलेज देते हैं कि एकदम पानी जैसा करके देते हैं। घर भागने की तो इच्छा नहीं होती उनके कभी? कभी ऐसा तो नहीं देखा कि आप लोगों को क्लास जल्दी छोड़ने के चक्कर में कुछ भी पढ़ा के निकल गए? नहीं, जो भी चीज़ पूछा बताते हैं, बताते हैं सर। लाइव क्या किया तुमने? लाइव मैंने पावर आईसी, सीपीयू, 4G, सीपीयू आईसी, ये दोनों लाइव किया, पावर और 4G सीपीयू। तो दूसरे तीसरे दिन निकल लिया था। जितना भी आईसी रिवॉल्व करवाते हैं वो कौन सी स्टेंसिल में करवाते हैं? यूनिवर्सल, ताकि आपको हर यूनिवर्सल, क्योंकि आपको आप घर जाके तो अपना नॉर्मली स्टेंसिल परचेस करोगे ही, पर जो स्टेंसिल का आईसी नहीं है उसको यूनिवर्सल से भी करना आ जाए। तो मुझे बताओ क्या कहना चाहोगे, नया कोई स्टूडेंट आना चाहिए? कोई भी आसाम से आता है तो आराम से आ सकता है। गारंटी दे सकते हो? गारंटी है सर। आपका शॉप का एड्रेस क्या है? मेरा लामडिंग जो बाजार है वही वहाँ पे ही। मोबाइल का शॉप का नाम? मोबाइल प्रीतम मोबाइल सेंटर। प्रीतम मोबाइल सेंटर। आप अपना नंबर बताओ? 8638404165। ऐसा लाइव में कोई नंबर नहीं देता, वही स्टूडेंट दे सकता है जिसको अपने पे कॉन्फिडेंस है और अपने गुरु पे कॉन्फिडेंस है। yes, कि अगर मैं कुछ अटकूंगा तो मेरा गुरु मेरे साथ है। yes, कौन कौन नंबर दे सकता है? देखा हाथ खोल के। yes, सब नंबर देंगे यहाँ पर। ठीक है, मेरे साथ एक और है, आप बताओ क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आसिफ है और मैं उत्तराखंड से हूँ। आसिफ इतनी दूर से उत्तराखंड से आया, तुम्हारे बीच में बहुत सारे बड़े बड़े शहर थे, ऐसा क्यों लगा छोटे शहर जबलपुर में आपको सीख जाएगा? सर मैं काफी टाइम से देख रहा था यूट्यूब फेसबुक में लाइव, तो बहुत अच्छा अंदर से फील होता था कि हाँ मुझे भी एक दिन यहाँ पर जाना है एशिया टेलीकॉम में, और इस लेवल का काम सीखना है। जी, अब आसिफ पहले और अब के में आसिफ में कितना अंतर है? सर बहुत फर्क है अब। सर पहले सिर्फ नॉर्मल काम करते थे, चार्जिंग जैक वगैरह, होल्डर वगैरह, अब हर दिन यहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ नया? यस सर, हर दिन बिल्कुल एनर्जी डेवलप हो रही है यहाँ पर? बिल्कुल सर हो रही है। और यहाँ के आने वाले एटमोसफेयर कैसा है, बच्चे कैसे, बाकी के बताओ? सर सब फैमिली हो गए यहाँ पर? यस सर। और डिसिप्लिन कैसा है यहाँ पर? डिसिप्लिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। रहने और खाने में कोई चीज का कोई दिक्कत नहीं सर? रहने खाने में जो 12 घंटे क्लास अटेंड कर सके? यस सर, वही आ सकता है ना। मुझे बताओ आसिफ लाइव क्या काम किया तुम? लाइव सर 4G सीपीयू पावर आईसी दोनों निकाल के लगाया, और थ्रू आउट डेली जो भी सर्किट समझ रहे हो, या आज बात करूं डेस्क सेक्शन की, कैसा लगा सर बताओ? बहुत बढ़िया लगा सर, आज पूरा लगभग 40-50 सेटों में मैंने डेट डायग्नोस देखा है लाइव लाइव, और उसमें हमने कुछ सेट भी चालू किए हैं, और अभी आप और भी सेट चालू करने वाले हो, जितने भी सॉर्टिंग है आसिफ हम कल ही क्लास में निकाल देंगे सर, और शाम को जाके अपना प्रैक्टिकल करेंगे, बाकी हम जितना जो वे में आपको बताया कि ये चेक करना है वो आप खुद प्रैक्टिकल करना। यस सर, वो प्रैक्टिकल करेंगे। बेनिफिट मिलती है कि नहीं? बिल्कुल बेनिफिट है सर, कि आपको ऐसे टेलीकॉम आपको समय दे रहा है प्रैक्टिकल करने के लिए। सर एक बड़ी टीम होना बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी। अगर मान लो आसिफ एक ऐसे इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं जो सिंगल आदमी है, जो पढ़ा भी रहा है और सब कर रहा है, तो इतना सब कुछ दे पाता है? नहीं दे पाता सर, और कंफ्यूज करता है वो सर। नहीं दे पाता ना, कहां तक सिखाते हो, कहां तक सिखाता है? एक आदमी की भी एनर्जी 8 घंटे 10 घंटे, मैं भी आप 11 बजे आता हूँ, मैं भी 6-7 बजे तक है, पर मेरा भी एक सेगमेंट है। यहाँ पर टीचर का काबिलियत कैसे बताओ? एक टीचर का बहुत अलग ही लेवल है, कुछ नहीं बोल सकते उनके बारे में, और हर सेक्शन के अलग टीचर है, सॉफ्टवेयर के अलग है, एमएमसी के अलग है, हार्डवेयर के अलग है। तुम्हारी कोई शॉप है क्या? सर शॉप तो है पर मैं क्लोज करके आया हूँ, पर अब नए तरीके से शॉप करूंगा। कहाँ पर सर? मतलब आपके जगह कहाँ पर, कहाँ जगह? ये देवी रोड कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल। अच्छा, मुझे अपना नंबर दे सकते हो क्या? 8755378766। अगर आपको इनको सेट भेजना है तो आप भेजिए, अगर आप इनको पूछना है कि स्टूडेंट मैं आऊँ कि नहीं आऊँ तो वो भी पूछे। यस सर, आसिफ कोई कॉल करे अगर तुम्हारे वहाँ से कोई आना चाहे तो तुम भेजोगे? बिल्कुल आ सकता है सर, मैं गारंटी देता हूँ उसकी। एसर टेलीकॉम मतलब क्या? पैसा वसूल। पैसा वसूल, आ जाओ भाई। मेरे वेरी गुड, क्या नाम है?
अरविंद नाम है। अरविंद, अरविंद कहाँ से हो? गुजरात से हूँ। गुजरात, गुजराती बोल सकते हो? गुजराती भूल गए यार। अरे गुजराती बोलो यार भाई। हिंदी, हिंदी बोल बोल के गुजराती भूल गए। गुजराती फिर भी केम छो? सारू है। सारू माजामा। मेरा एक सपना था यहाँ आने का, अपना आज गुजराती में गुजराती भूल गया। अरे नहीं तो मेरे को मेरे मामा देख रहे होंगे, कह रहे होंगे गुजराती बोलना पर है नहीं। मैं गुजराती हूँ। कहाँ से हो गुजरात में? गुजरात राजकोट नजदीक जेतपुर। अच्छा, मुझे बताइए क्या करते थे आप? पहले मैं टीवी रिपेयरिंग का काम करता था। टीवी रिपेयरिंग कितने साल से कर रहे थे आप? वो तो मैं 10-15 साल से करता था। अभी क्यों ऐसा लगा कि मोबाइल रिपेयरिंग में आ जाए? अभी अपडेट समय के साथ अपडेट होना पड़ता है। अच्छा, समय के साथ अपडेट होना। तो एसर टेलीकॉम क्यों? गुजरात से दिल्ली हैदराबाद ये सब कुछ जा सकते थे, क्यों एसर टेलीकॉम? 2 साल से मेरा फेसबुक में है। फेसबुक में लाइव देख रहे थे? लाइव कौन आ सकता है? सब लाइव कौन इंस्टीट्यूट आ सकता है? एशिया टेलीकॉम डेली आता है। मुझे बताओ आसिफ, डे वन से जब तुम आए 28 तारीख से, 27 को काउंसलिंग थी तुम्हारी, थ्रू आउट कोई भी एक दिन जहां हमने आपको दिखाया ना हो ऐसा कैमरा आपके ऊपर? ऊपर ही था, ऊपर ही था कैमरा। आपके घर वाले देखते हैं आपको लाइव? तो आपको भाई देखता है? सो सिक्योर फील करता है कि नहीं करता है? भाई तो पहले मना कर रहा था, जीत पर आ गए। भाई मना कर दिया, मत जाओ। मना कर दिया था, इतने दूर नहीं जाना, तो यही गुजरात में कोर्स कर। गुजरात में कोर्स कर? नहीं, मेरे को जाना है तो वहीं जाने का। मैं तब रट मान। नहीं, मेरा सपना ही था कि एशिया टेलीकॉम देव सर के साथ ही जाऊंगा। क्या बात है। फिर उसके बाद मैंने पहले 2 साल पहले मैसेज ही किया था, फिर वो लॉकडाउन 99 में हो गया था, इसलिए नहीं आ सकता। पहले ही आना चाहता था। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच आसिफ, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा कोई शॉप है क्या? शॉप नहीं, अभी है, जाकर करने वाले। पहले टीवी का था, वो बंद कर दिया था 1-2 साल से, अब शॉप नहीं। चलो ठीक है, मैं आपसे फिर और भी पूछूंगा बहुत सारी। आसिफ मुझे बताओ इसे टेली को मतलब क्या? पैसा वसूल। वसूल, वेरी गुड। मेरे साथ में एक और है, आइए। क्या नाम? सर मुकेश। मुकेश किधर से? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से मुकेश, छत्तीसगढ़ से। व्हाई एसर टेलीकॉम? व्हाई यू चूजिंग एसर टेलीकॉम भाई, बताओ। सर मेरे काम में करता था चार्जिंग का और माइक वगैरह ऐसा बदलने का, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होती थी कि इस काम तो करना है, लाइफ टाइम इसी काम को करना है, लेकिन वो नॉलेज ही नहीं है। लेकिन नॉलेज ही नहीं है काम को आगे, मतलब अच्छे से कैसे करूं? कोई भी फोन आया तो दूसरे को देना पड़ता था, तो दूसरे के भरोसे काम कैसे करूं, ये समझ में नहीं आता था। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपका यूट्यूब चैनल, फेसबुक में मैं आपका वीडियो देखता था, आपके मोटिवेशनल वीडियो देखता था, तो उससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ और एक मन से हुआ। बहुत टाइम से देख रहे हो? बहुत टाइम से, बहुत टाइम हो गया वो मोटिवेट वीडियो बना के नहीं है ना। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, तो फिर पुराने वीडियो भी देखता था आपके, तो फिर अब फिर मुझे लगा कि अब यहीं जाना चाहिए, यहीं मेरा मतलब जो है सब मिल सकता है मुझे। मुझे बताओ डे वन से लेकर अब तक का क्या सफर, कितना अंतर? बहुत बढ़िया है सर, अब नॉलेज ही अलग स्तर का हो गया है। पहले जो सोचता था और एक पीसीबी को देखने का नजरिया ही बदल गया। पहले तो देख के समझ ही नहीं आता था कि ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। इतनी तो आईसी देखकर बता सकते हो? हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। डेड की बात बताओ, डेड फोन आता है तो आदमी घबरा जाता है कि पहले क्या करें। अब मुझे बताओ डेड डायग्नोस बताओ। डेड डायग्नोस सर आज तो पूरा सर एकदम आसान कर दिया। डेड जब सुबह आए थे तो एकदम क्या लग रहा था कि क्या होगा डेड डायग्नोस? आए थे तो समझ कुछ आ रही था कि स्टार्ट कहां से करना है डेड का। अभी भी कभी भी हम मोबाइल पकड़ते हैं तो शुरुआत कहां से करना है समझ नहीं आता। ये बैटरी लगा के देखना है कि पहले तो चार्जर चेक करना है, लाइट चेक से चले जाए, नेटवर्क में जाए, कहां जाए डेड चेक से। अब इतने सारे कंपोनेंट है, किसको क्या चेक करना है पता नहीं। लेकिन सर इतना आसान कर दिए कि हमको सिर्फ डीसी मशीन में लगाते ही हमको पता चल जाएगा कि इस आईसी पे काम करना है, किस कंपोनेंट पे काम करना है। ये सारी चीजें यहां पे लाइव प्रैक्टिकल भी हुई है? यस सर, यस सर। और मुझे बताओ लाइव क्या काम किया यहां पर? लाइव यहाँ सर एमएमसी का प्रॉब्लम था एक फोन में, उसको रेडी किया और वो भी किया, पावर आईसी भी बनाया, आईसी भी बनाया, एमएमसी सीपीयू भी लगाया, चालू किया। यस सर। एसर टेलीकॉम मतलब क्या है? पैसा वसूल है। और शॉप का एड्रेस क्या है? सर मेरा शॉप है घरघोड़ा में है, रायगढ़ जिले में, मुकेश कंप्यूटर। और क्या मोबाइल नंबर है? 9770134757। अगर कोई सेट आएगा तो बनाएंगे अपन? यस सर, फोर। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं जाके पता चलेगा। अरे मेरे जाके पता चलेगा क्या? 2 सेट? यस सर, तुम्हारे ही बनाएंगे जो बोल रहा है। यस सर, हम हैं। यस सर, है ना? ठीक है, आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ कौन बैठे पीछे क्लास में? कौन बैठे उधर? बैकअप स्टूडेंट। क्यों ना, कौन होता है बैकअप के स्टूडेंट? जो पढ़कर जा चुके हैं, जिनको डाउट होते हैं। यस सर, तो हम छोड़ने वाले नहीं है। बैठिए। नाम है आपका? जी मेरा नाम अब्दुल्ला चौधरी है। अब्दुल्ला कदर से? जी मैं आसाम से। आसाम से अब्दुल्ला, एशिया टेलीकॉम को क्यों? जी सर पहले तो ऐसे ही सीसी वगैरह चेंज करते थे, नॉर्मल काम करते थे, आईसी पे काम नहीं किया। अब्दुल्ला लाइव क्या काम किया है आने के बाद? लाइव यहाँ पावर आईसी लगा के
सेट ऑन किया, सीपीयू भी लगाया, सीपीयू भी लगाया, ये दूसरे तीसरे दिन में ही कर लिया था, चौथे दिन में आई थिंक। सो मुझे बताओ अब्दुल्ला, जब यहाँ पे ये काम कर लिया तो कैसा फील हुआ, कि सही जगह पे आए कि नहीं आए? जी बिल्कुल। किस दिन पता चला आपको कि मैं सही जगह पे आ गया हूँ? दूसरे तीसरे दिन में। नॉलेज कैसा था ये टेलीकॉम? बहुत बढ़िया सर, एकदम प्रो लेवल। यहाँ पे टाइम, नॉलेज, डिसिप्लिन सब कुछ बराबर मिलता है कि नहीं मिलता? बराबर। कभी ऐसा तो नहीं कोई चीज कम मिले यहाँ? नहीं सर, नहीं। मुझे बताओ अब्दुल्ला, आप खुश हो कि नहीं हो यहाँ पर? बताओ पूरी तरीके से। एकदम बिल्कुल सर, पक्का पक्का। आपका कौन देख रहा होगा घर में आपको? मेरा फैमिली है। फैमिली देखता है आपको घर में? सो आप ये बताइए, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ डेली आपको लाइव ले रहे हैं, तो आपको कैसा फील होता है कि मुझे आज रात में भी लाइव लेंगे? क्योंकि अगर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं सर को बोलूंगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो सर तब तक लाइव नहीं लेंगे जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज का आपको बेनिफिट है कि नहीं है बताओ? बेनिफिट है सर। क्यों लेते हैं लाइव? लाइव फिर ये तो ना पूछ रहे बना कि नहीं बना। आप क्या लाइव रात में आके मुंह मिला देते हो क्या? नहीं हाँ सर हो गया, सबके हाँ में हाँ तो नहीं मिलाते क्या? नहीं नहीं सर। पक्का पक्का। खुद प्रैक्टिकल करते हो तो ही समझ में आता है ना? जी सर। आज क्या सीन था? आज था हमारा डेट सेक्शन था। ओके, तो डेट सेक्शन में कैसा गया? बहुत बढ़िया गया। डायग्नोस पूरा फुल डायग्नोस कैसे करते हैं वो सब सीखा हम लोगों ने। बिल्कुल। अब उसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं यहाँ पर? जी अब्दुल्ला, मुझे नहीं लगता आप प्रैक्टिकल में कुछ पूछने वाले। सच बताओ, अगर आपके पास कोई भी सेट होगा, सर नहीं, पावर आईसी चेक करना हो, सीपीयू चेक करना हो, या उसका बीपीएच लाइन, या उसका पावर, या डीसी टू डीसी, या आपका ईएमसी आईसी, सारा वोल्टेज चेक हो जाएगा? जी सर। डायग्राम के साथ भी? डायग्राम रीड कर सकते हैं? चलो ठीक है। मुझे बताओ अब्दुल्ला, आपका कोई शॉप है क्या? जी सर। बोलो नाम, नंबर। मेरा शॉप का नाम है रेशमा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब्दुल्ला इन सबके नंबर दे रहा हूँ मैं इस बार, मुझसे लोग बोलते हैं क्लास वालों के नंबर दो बच्चों के, तो सारे बच्चों के नंबर दे रहा हूँ लाइव। बहुत एक गट्स की बात होती है। नानकना, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला। बैठे, क्या नाम है? सर मैं सनी कुमार, यूपी से। यूपी? यूपी में कहाँ से? यूपी में अपना बस्ती सिद्धार्थनगर। अच्छा, मुझे बताओ सनी क्या करते थे आप? मैं पहले मोबाइल का शॉप है सर, लेकिन मैं मुंबई में। मुंबई में? मुंबई में होगा। मुंबई में कहाँ पर? मुंबई नवी मुंबई सानपाड़ा मोराज सेक्टर 14। तो ये आपका शॉप है वहाँ पर? जी सर। तो अभी आप वहाँ पे किस लेवल पे काम कर रहे हैं? सर मैं वही माइक लगाता था, चार्जिंग लगाता, वो माइक को भी जंपर मार के लगा, माइक को भी जंपर की कहीं माइक लगाऊंगा बूट हीट ना कर जाए, मतलब एसएमडी को टच ही नहीं करते थे ज्यादा, लगाना आता ही नहीं था। अच्छा, लगाना नहीं। सच बताओ ऐसा क्यों लगा कि एक ज्वाइन करूं इंस्टीट्यूट, दुकान से क्यों नहीं सीख लिया? नहीं, घर बैठ के ऑनलाइन क्यों नहीं सीखा? नहीं सर, मैंने एक्चुअली मैं एक 2 साल से आने की ट्राई कर रहा था, तो मैं कम से कम 200 वीडियो देखा था अलग अलग जगह का, तो मैं एशिया टेलीकॉम का कम से कम 15-20 वीडियो देखा, तो मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट पढ़ते थे ना उनका जो एकदम रिव्यू था देने का, एकदम लगता था कि हाँ ज्वाइन तो वही करना चाहिए। हाँ सही बात है। तो आप इसलिए आए यहाँ पर? हाँ, मुझे बताओ पहले और आपके दिमाग में कितना अंतर है सर? बहुत, अभी तो बोल ही नहीं सकता यहाँ से यहाँ तक कैसे आए। मार्केट में जाके क्या करने वाले हो सच बताओ? अभी तो सर टहलका सर, मुंबई में मनीष मार्केट में बहुत से स्टूडेंट बैठे भाई हमारे, है ना? जी सर। तो मैं अगर कभी जरूरत हो ना अब्दुल्ला, आपने सॉरी जरूरत हो ना सर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मनीष मार्केट में भी जा सकते हैं, और मनीष मार्केट में उनका रेफरेंस दूंगा, आप उनके शॉप में भी जाके बैठ सकते हैं, मैं उनका रेफरेंस दूंगा। चले, और जरूरत नहीं पड़ेगी पर सच? हाँ नहीं, अभी नहीं, तो मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको डीएसओ से लेकर हर काम बताया है आपको। आज डेट सेक्शन का कैसा लगा सर? एक नंबर। मतलब क्या बोलना चाहोगे दिल से बताओ? अभी दिल से यही बोलूंगा कि जो यहाँ मतलब सिखाया गया सर, एकदम टॉप नॉलेज मिला सर। मुझे नहीं लगता कि मैं किधर वो ज्वाइन कर लेता तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। टीचर कभी छुपाते हैं? नहीं नहीं सर, फुल नॉलेज जितना उनको नॉलेज है मुझे लगता है उससे ज्यादा हमको देने की कोशिश कर। सही बात है। और वो हम टीचर इसलिए क्योंकि हम अपडेट होते हैं, अगर दुकान वाले होते ना तो दिन भर फोन बनाने में रहते, हम स्टूडेंट पे कभी ध्यान नहीं देते। एक दुकान से बैठ कर सीखना चाहिए, इंस्टीट्यूट में आना नहीं चाहिए सर? नहीं सर, मैं तो 2 महीने से दुकान में बैठा था, मेरा कुछ नहीं हुआ, बर्बाद हो गया। ऑनलाइन क्यों नहीं सीखा? ऑनलाइन नहीं सर, ऑनलाइन मतलब वो मालूम ही नहीं चलेगा ट्रेसिंग कैसे करना है, सामने वो बताएंगे नहीं ना। अरे ऑनलाइन कार चलाना सीख सकते नहीं है? नहीं, ऑनलाइन ये काम कैसे सीख सकते हैं? वही बोल रहा हूँ ना, ये तो ऑनलाइन बेकार का। नहीं, मुझे बताओ कि अपना शॉप का एड्रेस तो दे दिया, अपना नंबर बताओ। हाँ, 9321315194। लाइव पावर सीपी दोनों किया? यस सर, मैंने तो सबसे ज्यादा शायद क्लास में नहीं, सबसे ज्यादा बोलने किया। मुझे बताओ कि अगर कोई नया स्टूडेंट आए तो क्यों आए बताओ? सर भाई बिंदास आ जाए, जिसको अगर करियर बनाना है ये इस फील्ड में वो बिंदास आ जाए, नहीं तो अभी बाकी उनका ऊपर वाला मालिक है। ठीक है, आप अपना गारंटी तो दे सकते हो ना? सर 100%। से टेलीकॉम मतलब क्या? फुल पैसा वसूल। फुल पैसा वसूल। अभी तो मेरा ब्याज निकल रहा है। आज ही आ जाओ।